छत्तीसगढ़ के निगम मंडलों पर दो दिनों तक चली ताबड़तोड़ बैठकों के बाद उम्मीद जगी है कि अब जल्द नियुक्तियां होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर एक बयान देकर नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि निगम मंडल में नियुक्तियों का विशेष अधिकार उनका है, वे समन्वय के साथ नियुक्तियों की कोशिश कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि एक राय से सूची फाइनल हो। इसके पहले सरकार की तरफ से खबरें आई थी कि करीब 55 से 57 नामों की सूची तैयार हुई है। वो बाद में आएगा। देखिए, सामूहिक नेतृत्व का यही है कि सबसे रायशुमारी करके, सबसे बातचीत करके कोई फैसला ले, अन्यथा निगम मंडल में नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, जिसे चाहे नियुक्त कर सकता है। नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस में अंतर्कलह के आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा है, कांग्रेस 2 साल बाद भी निगम मंडलों के पद नहीं दे पाई, लगातार बैठकों के बाद भी आपसी सहमति नहीं बना पाई। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर इस प्रकार की भाषा का सीएम का उपयोग करना, ये मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी तल्खी चल रही है और अंदरूनी उठापटक चल रही है। सब कुछ कांग्रेस पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री को इस भाषा का उपयोग करना पड़े, मतलब ये निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं खलबलाहट है। माना जा रहा है कि सरकार के 2 साल पूरे होने के पहले निगम मंडलों की लिस्ट जारी हो जाएगी। हालांकि इस लिस्ट में कौन से नाम होंगे, किसकी पसंद के होंगे और कौन अपने लोगों को शामिल करा पाएगा, कौन नहीं करा पाएगा, ये लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल, इन नियुक्तियों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ऐसी खबरें हैं कि सबको संतुष्ट करने की कवायद में ही लिस्ट टलती जा रही है। अब ये सूची आने पर ही पता चलेगा कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितना दम है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। निगम मंडल पर घमासान। जी हां, निगम मंडल को लेकर जो बैठकें हैं, जो मंथन है, वो लगातार हो रहा है और हर मंथन के बाद लोगों को लगता है कि इस बार उनके लिए अमृत निकल कर आएगा, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। कुछ खास निकल कर आता नहीं, बल्कि एक नई तारीख मिल जाती है और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक जब इस प्रकार की तारीखें मिलने लगी तो तरह तरह की बातें भी निकल कर सामने आने लगी। बहरहाल, मुख्यमंत्री ने आज कहा कि ये उनका विशेषाधिकार है और इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि समन्वय के साथ ये बैठक की जाए और ये सूची फाइनल की जाए। हालांकि विपक्षी पार्टी बीजेपी ने तरह तरह के अंतर्कलह से लेकर 2 साल में अब तक नियुक्ति न कर पाने के बहुत सारे आरोप यहां पर चढ़े। चर्चा इसी पर हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। सुरेंद्र जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी, क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी निर्णय जो राज्य सरकार का होता है, चाहे वो बोर्ड, मंडल, निगम, प्राधिकरण या निगम के संदर्भ में हो, किसी भी आयोग के संदर्भ में हो, वो कैबिनेट का सामूहिक फैसला होता है और मुख्यमंत्री भी कैबिनेट के चेहरे होते हैं। तो निश्चित रूप से जो तालमेल सत्ता और संगठन का हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव में हो, चाहे सत्ता के बाकी निर्णयों में हो, तो कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है। यही हमारा आंतरिक लोकतंत्र है और इसी के कारण से लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से भी 28 को कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, माननीय पुनिया जी आए थे जो हमारे प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उसके बाद लगातार 2 दिन, परसों और कल, पूरा दिन इस पर मंथन किया गया। जो कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं वो ब्लॉक लेवल से आए हैं, उनके द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, पूरी की पूरी कैबिनेट थी उसमें और संगठन की ओर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी थे। और जारी क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, जारी करना और नाम तय करना निश्चित रूप से राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। संगठन के लोगों को, जो ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, जो 15 साल जिन्होंने विचारधारा को लेकर संगठन को खड़ा करने में अपना पसीना बहाया है, वो कोई नाम छूटे ना, उनको बराबर महत्व मिले, इसीलिए संगठन और सत्ता दोनों मिलकर इस कवायद में जुटी हुई है। आपको उम्मीद है कि जब लिस्ट जारी होगी तो कोई भी नाम छूटेगा नहीं इसमें? निश्चित रूप से पहले तो ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि ये जो लिस्ट अंतर्कलह की वजह से छूट रही है? सुरेंद्र जी का कहना है समन्वय बिठाने की कोशिश है, कोई छूट न जाए इसलिए डिले हो रहा है। क्या है, देखिए, यदि किसी की सरकार रहती है तो मंत्रिमंडल का गठन, निगम मंडल और जो अन्य
पद होते हैं वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, सरकार का विशेषाधिकार होता है, लेकिन पिछले दो साल जैसे बीता है और अभी जैसा निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर की बैठक और देरी हो रहा है, और इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान आना कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो सब जान रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बयान दे मीडिया में, तो लगता है कि कहीं ना कहीं तो कांग्रेस के अंदर गड़बड़ी है, उन खींचतान चल रही है आपस में। कल एक समाचार आया कि नाराज होकर के प्रदेश अध्यक्ष जी चले गए इसी विषय को लेकर के, तो इस विषय को लेकर के लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और इसके कारण है, नहीं तो निश्चित रूप से घोषणा हो जाती। रही बात कि सबको संतुष्ट करने का प्रयास है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये सबको संतुष्ट कर पाएंगे। अभी जो पुराना सूची निकला है उसके बाद जो अभी बाकी लोग हैं, चाहे उसमें विधायक हो चाहे इनके जो वरिष्ठ नेता जिनको बोलते हैं कि हमारे हैं, तो इतना पद शायद ये नहीं निकाल पाएंगे, उतना पद है भी नहीं। इसलिए निश्चित है जब ये सूची निकलेगा उसके बाद ये आक्रोश और बढ़ेगी, और कांग्रेस का जो अभी का दो साल का कार्यकाल है उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इस बात को अब महसूस करने लगे हैं और बोलने लगे हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, ये उन्हीं का कहना है। इसलिए अभी जैसा एक खींचतान चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है कार्यकर्ता जरूर निराश है जी। मुरली जी, ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन पे मंथन हो रहा है, क्या वजह इसके पीछे समझ आ रही है कि डिले क्यों हो रही है लिस्ट? मुख्यमंत्री ने आज ये भी कहा कि मेरा विशेष अधिकार है। अभिषेक जी, एक बात, मैंने भी मुख्यमंत्री का टिप्पणी सुना जी। मैं इस यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है अपने स्टेटमेंट में कि ये समन्वय के साथ हम बैठक कर रहे हैं और एक समन्वय के साथ, एक नीति के साथ जो लोग छूटे हैं, जो 36 के लगभग जो बोर्ड कॉर्पोरेशंस के जो अध्यक्षों का जो विरक्त स्थान है उनके भर्ती के लिए हर किसी से बातचीत कर रहे हैं उनका, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अन्यथा ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उनका जो स्टेटमेंट है उसको टाल मटोल करने या उसको तोड़ने मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है इस तरह के नियुक्तियाँ करने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मैं देख रहा हूँ पिछले दो साल से जब से सरकार बनी है तब से इस पर मंथन हो रही है, और जिस समय सरकार बनी थी उस समय कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि बहुत जल्दी इन बोर्ड्स और जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है बहुत जल्दी किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका दो साल हो गया है, अभी भी लगभग 36 ऐसे पॉलिटिकल पोस्ट है जहाँ पर अभी तक भर्ती नहीं हुआ है, और इस बीच में कई कारण बताते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गया था, उसके बाद कोरोना का दौर चला, कोरोना का दौर आज भी जारी है, उसके बावजूद भी कांग्रेस में अभी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने एक बार फिर बैठक ली है, और मुझे लगता है कि शायद 17 दिसंबर से पहले ये नियुक्तियां हो जाएगी, और डिले होने का कई कारण हो सकता है पार्टी तौर पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपॉइंटमेंट्स करने के लिए उपयुक्त कैंडिडेट को चुनना इसमें समय लगता है। क्या समन्वय जो बिठाने की बात कही गई है वो अच्छे से बिठाने की, जैसा सुरेंद्र जी भी कह रहे थे कि अब सब कोई असंतुष्ट न रह जाए इसलिए थोड़ा डिले हुआ, क्या सभी को संतुष्ट कर पाएंगे इसलिए? सामंजस्य बिठाने की बात यह है कि कांग्रेस में ग्रुप्स कई सारे है, ये शुरू से ये तो सारे ग्रुप्स के लीडर्स का अपने अपने कैंडिडेट्स होता है, तो इसमें किसको लिया जाए, किसको बाहर किया जाए, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कास्ट बेसिस पर भी कुछ अपॉइंटमेंट्स होंगे, कुछ माइनॉरिटीज के होंगे, तो इस तरह के जो अपॉइंटमेंट्स जो करने में जो टाइम लगता है उसमें लोगों को चुनना ये बड़ा लंबा समय लगता है इसमें, और इसके अलावा यहाँ से जब लिस्ट बन के आलाकमान के पास जाएगी फिर वहाँ से अप्रूवल होना है। यूजुअली ये होता है कि यहाँ से जो लिस्ट जाता है उस पर अप्रूवल हाईकमान दे देती है, तो मुझे लगता है कि शायद लिस्ट बन गया हो तो शायद जल्दी हो जाएगा अपॉइंटमेंट। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि 17 से पहले सुरेंद्र जी ये लिस्ट आ जाए, जैसा कि कार्यकर्ता भी उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार
जरूर लिस्ट आएगी और नाम उनका उसमें शामिल होगा। ये समन्वय की बात यहाँ पर कही और सबको साथ लेकर चलने की बात यहाँ पर कही। हालांकि हमने पिछली सरकारों में भी देखा है कि अपॉइंटमेंट देर से होते रहे हैं, लेकिन इस बार क्या 15 साल बाद सुरेंद्र जी ये मौका मिला है, इसलिए थोड़ी व्यग्रता है कार्यकर्ताओं में भी? अभिषेक जी, निश्चित रूप से देखिए, कोई भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। केवल निगम मंडल और आयोग की बात नहीं है, उसके साथ साथ संगठन में भी कुछ नियुक्तियां होनी है, उसको लेकर भी चर्चा का दौर चल रहा है। और दो कारण और मैं कहना चाहूँगा, जैसा मुरली जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि कोरोना काल के कारण पिछले 8-9 महीना, उसके पहले लोकसभा चुनाव, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव, उसके साथ साथ कुछ व्यवहारिक दिक्कतें थी। जैसे रमन सिंह जी का जो कार्यकाल खत्म होने वाला था, उसके 5 महीना पहले उनके सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3 साल के लिए कुछ नियुक्तियाँ दे दी थी। अब सरकार के बाद में जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो उनको नोटिस दिया गया, क्योंकि जो भी निगम मंडल आयोग हैं वो सरकार के विश्वास पर्यंत ही बने रहने का संवैधानिक अधिकार है। और ये अभी तक मान्य परंपरा रही है राजनीति में कि सरकार जाने के बाद तुरंत जो है बोर्ड निगम आयोग जो भंग कर दिए जाते रहे, या वे अपना त्यागपत्र सौंपते रहे। कुछ लोगों ने, कुछ जिम्मेदार नेताओं ने ऐसा किया भी, जैसा कि अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बजाज जी ने तुरंत ईमेल के माध्यम से अगले दिन इस्तीफा दिया, लेकिन कई लोगों ने इस आदेश को आधार बनाकर हाईकोर्ट से स्टे ले लिया और बड़ी बेशर्मी से जमे रहे। तो इस कारण से भी कई जगह नियुक्तियां हुई संवैधानिक पद का आड़ लेकर। पुराने जो पत्र थे, 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया था, उसके आधार पर भी टालमटोल किया जाता रहा। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में कहीं कोई उत्साह की कमी नहीं है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो सुशासन और विकास, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, वो जब भूपेश बघेल सरकार के मात्र, मैं कहना चाहूंगा अभिषेक जी, 23 महीने के कार्यकाल में 70% से अधिक हमारे जो घोषणा, जो हमारा कमिटमेंट था छत्तीसगढ़ की जनता से, 36 वादे थे, उसमें 24 से ज्यादा 26 से ज्यादा वादे हमने पूरे किए हैं। इस बात से कांग्रेस का कार्यकर्ता संतुष्ट है। और जो भी निर्णय समन्वय की बात एक बार फिर से यहाँ पर आ रही है, और पिछले कार्यकाल का भी उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत से अपॉइंटमेंट 6 महीने पहले हो गए थे, उन्होंने पद नहीं छोड़े। और दूसरी बात ये कि बीच में बहुत सारे कोरोना काल से लेकर बहुत सारी चीज़ें आ गई, चाहे इलेक्शन की बात कर ली जाए या दूसरी चीज़ें बात कर ली जाए। आप लोग के समय भी इतने ही कुछ लेट हुआ था, तो फिर आप लोग को आपत्ति क्यों है? अभिषेक जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सुरेंद्र जी कह रहे थे वो शब्द पे मेरे को बहुत ही गंभीर आपत्ति है कि उनको बड़े बेशर्मी से जमे हुए हैं। इनको थोड़ा याद करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सरकार जाने के पहले इन्होंने क्या किया है। जब लोकसभा का चुनाव 2014 में आया तो राज्यपाल, कितने राज्यपाल अपने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिए, और कितने राज्य में ऐसे हैं जो संवैधानिक पद में हैं, जिनका एक संवैधानिक कार्यकाल होता है, उसमें कितने लोग दिए। तो इस बात को न बोले तो ज्यादा अच्छा है। हमको नैतिकता का पाठ मत पढ़ाएं कि 5-6 महीने पहले वो नियुक्त कर दिए इसलिए उनको देरी हो रहा है। ये ऐसा होते आया है, कुछ जो नियुक्तियां हुई हैं, यदि उनका कार्यकाल 3 साल के बाद खत्म होता है तो उसके बाद 2-4 महीने में होता है, उसके बाद सरकार चुनाव भी फेस करती है। और इसलिए ये कोई ये नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जमे हुए हैं। कांग्रेस के लोग जमे हुए कई राज्यों में थे, और उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद ही फिर नई नियुक्ति हुई। लेकिन ये अपनी अंतरकलह को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये शुरू होते ही हैं। इनका 15 साल का कार्यकाल आता है, चाहे विकास की बात करें, चाहे इनके संगठन की बात करें, चाहे इनके निगम मंडल की नियुक्तियों के बारे में बात करें, वो 15 साल को ही याद करते हैं। और सुरेंद्र जी को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि वो कम से कम संगठन और निगम मंडल के नियुक्तियों में तो 15 साल को मत करें। अभी अपना जो दायित्व तो है अपने कार्यकर्ताओं को जो देने का, उसको जल्दी से जल्दी कितना समन्वय करवाएंगे, कैसे समन्वय होगा, उसको करवा के घोषणा करें। और रही बात जो 23 महीने कार्यकाल में हमने 24 अपने वादे पूरे कर दिए, तो अभी उस विषय में यदि चर्चा शुरू हो जाएगी तो मैं इनसे पूछूंगा कि 5-60 प्रमुख बता दीजिए, उसके बाद में 8-10 प्रमुख जो आपका घोषणा है जिसको बहुत कसम खा के आपने किया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, तो अभी तो उसको छोड़ दीजिए। आपने अभिषेक जी जो किया है उसको छोड़ दीजिए,
अभी नियुक्ति की बात है, निश्चित रूप से आपके अंदरूनी मामला है। रजनीश जी बहुत सम्माननीय विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देख ले, जिस प्रकार पूरा कार्यकाल निकल गया, लगातार देखिए आप आरोप लगा रहे हैं राजभवन का, सुन लीजिए, मैंने आपको याद दिलाया, जनता ने देखा है आरोप का जवाब दिया हूं मैं, में क्या हुआ आपके आरोप का जवाब दिया हूं, आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, सुबह होने से पहले किस प्रकार से आप कितनी बार किए हैं, सरकार को उत्तर प्रदेश में घटना हुई है, मध्य प्रदेश जाता है, राजस्थान दिल्ली की सरकार बर्खास्त कर दिए, राजस्थान से ज्यादा बार 256 तक किए हैं, कहां है वर्मा जी, कांग्रेस ने जो इस देश के ऊपर जो अत्याचार किया है राजनीतिक रूप से उसका तुलना कहां करने में लगे हैं, 300 से ज्यादा बार 356 तक किए हैं, अरे कलंक है आप लोगों के ऊपर में, उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार, राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार, और ऐसे अनेक सरकारों को आपने गिरा दिया, आपातकाल लगाने का कलंक आपने दिया, किस बात का करते हैं आप, कहां की नैतिकता की बात करते हैं, अरे अपने विषय से बाहर जा रहे हैं, मुरली जी इस पर मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, ये तो बहुत सारी बातें रही हैं, एमपी में भी नियुक्तियां इस प्रकार की हुई जैसे कि उदाहरण दिया गया, और भी राज्यों में इस प्रकार की नियुक्तियां यहां पर होते रहती हैं, लेकिन क्या जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे थे 15 साल बाद ये सरकार आई, इसलिए कार्यकर्ताओं में थोड़ी ज्यादा व्यग्रता है, ज्यादा उम्मीदें हैं, कांग्रेस ने शायद कह दिया कि हम इस प्रकार की नियुक्तियां जल्द करेंगे, शायद उम्मीदें इसलिए ज्यादा बढ़ गई। 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आ रही है तब नेचुरली जो उनके वर्कर्स हैं उनमें एक उत्साह तो होगा ही, और ये जब चुनाव के समय में भी कांग्रेस ने ये कहा था कि हम इन नियुक्तियों को जल्दी करेंगे, चुनाव के तुरंत बाद इन नियुक्तियों को करेंगे, लेकिन उसके बाद जब चुनाव होने के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो लोगों में एक असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है, तो असंतोष पैदा हुआ और लोग बड़े पेशेंट इम्पेशेंट हो गया है कि भाई इतना डिले क्यों हो रहा है, इस वजह से शायद ये नियुक्तियों जो नियुक्तियां हैं मंडलों में निगम में ये नियुक्तियां बड़ा मीडिया के लिए भी बड़ा फोकसिंग हो गया है, नहीं तो पहले भी ये पिछले 15 साल में जब ये नियुक्तियां होती थी बहुत ज्यादा इसमें लोगों को बहुत ज्यादा रुचि नहीं रह गया था, क्योंकि सबसे पहली बात है कि जो वीआईपी कल्चर था इस नियुक्तियों से जुड़ा हुआ वो सब हटा दिया गया था, तो लोगों को उसके बाद ये नियुक्तियां होने के बाद भी रबर स्टैम्प जैसे ही रहता है, क्योंकि काम जो है सेक्रेटरीज करते हैं, पिछले जब सरकार में भी हमने देखा तो आने वाले सरकार में भी बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री चाहेगा कि बेहतर से बेहतर लोग बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी एक सेक्रेटरी आईएएस लेवल के अधिकारी ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठे रहता है जो इन निगमों और मंडलों को चलाते हैं, तो गवर्नेंस जो है वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हुआ है, खाली ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, ये सारे प्रदेश में जितने भी प्रदेश आप देखेंगे वहां पे अगर गवर्नेंस आप देखेंगे पॉलिटिकल गवर्नेंस कम हो गया है और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस ज्यादा हो गया है, तो इसका असर जो है गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर सीधा सीधा पड़ रहा है, जब तक पॉलिटिकल गवर्नेंस को आप बढ़ावा नहीं देंगे, पॉलिटिशियंस को आप बढ़ावा नहीं देंगे इस तरह के मंडलों में और उनके उनके राइट्स को उनके पावर्स को, तब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी। ठीक है, इस तरह की बातें होती रहेंगी, और सुरेंद्र जी जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, मुरली जी भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात और 15 साल के बाद क्योंकि सत्ता आई थी आप लोगों ने जल्द नियुक्ति की बातें कही थी, तो कार्यकर्ताओं का व्यग्र होना इंपेशेंस होना स्वाभाविक सी बात है, अब क्या उम्मीद की जाए, ये लिस्ट जल्दी आएगी, एक संतुष्ट करेगी लोगों को, एक हालांकि कुछ 56-57 नामों का जिक्र रविंद्र चौबे जी भी कर रहे थे कल बैठक के बाद। निश्चित रूप से यही मूल अंतर है अभिषेक जी, हम देखें कि दोनों लिस्ट जो जो पूर्व में जारी हुई है उसमें तमाम नाम जो अधिकतर जो मिलेंगे संगठन को खड़ा करने में जो तो विचारधारा की लड़ाई और संगठन की मजबूती के लिए जिन्होंने परिश्रम किया है, चाहे वो गिरीश देवांगन जी हों, चाहे शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हों, महेंद्र छाबड़ा जी हों, तमाम नाम ऐसे ऊर्जावान जो संघर्षशील जो हमारे नेता थे उनका शामिल किया गया था, तो अगली लिस्ट भी जो आएगी वो कार्यकर्ता जो हैं जो जिन्होंने परिश्रम किया है 15 साल संघर्ष किया है उनको, और मूल अंतर मैं अभिषेक जी कहना चाहूंगा, पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक सुपर सीएम हुआ करते थे वो तय करते थे, लेकिन हमारे यहाँ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसमें कैबिनेट के पूरे 13 मंत्री मुख्यमंत्री और संगठन
पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है और राय शुमारी करके सामंजस्य स्थापित करके जो सूची तय की जाएगी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो ऊर्जावान समर्पित हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, विचारधारा की लड़ाई लड़ी, संगठन को मजबूत किया, उनको पूरा हक। आप लोगों का काफी कुछ फिल्टर भी हो गया होगा पुनिया जी के बयान से कि सब कोई इस ओर ना देखे ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता। देखिए निश्चित रूप से अभिषेक जी, जिला कमेटियां बनती है, ब्लॉक में भी कई सारे बोर्ड बनते हैं, कुछ एडवाइजरी जो प्रतिनिधित्व वहां भी दिया जाता है, तो प्रत्येक स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनके योग्यता क्षमता के हिसाब से उनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात से संतुष्ट है कि आज कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गोपालकों को, आदिवासियों के विकास के लिए जो काम हो रहे हैं, निश्चित रूप से जो सुशासन हमारा लक्ष्य है उस दिशा में बहुत तेजी से भूपेश बघेल सरकार बढ़ रही है और हम तमाम तो मेरे को लगा कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को ये मूर्ख समझते हैं। बोल रहे थे कि भाजपा के शासन काल में सुपर सीएम थे, अभी कौन है सुपर सीएम ये सबको मालूम, और मंत्रियों की क्या हाल है ये भी सबको मालूम। वो किसी दिन विषय आएगा तो सब जनरल इसमें फ्लोर में है ये बात, तो ये बात छोड़ दीजिए। वर्मा जी आप भी अच्छे समझते हैं, लेकिन आपको कांग्रेस को डिफेंड करना है, अच्छी बात है, लेकिन अभी सुपर सीएम कौन है और कौन ब्यूरोक्रेट्स को चला रहा है, कौन सरकार को चला रहा है, मंत्रियों की क्या हाल है, बहुत ज्यादा अभी बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझ रहे हैं। और दूसरी बात अभिषेक जी, जैसे कि इन्होंने 36 वादे किए, बड़े बड़े वादे किए, और उसको पूरा करने में इनका 2 साल में पसीना छूट गया, उससे पीछे हटना शुरू हो चुके हैं, उसी प्रकार कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने बहुत बड़ा सब्ज बाग दिखाया हुआ है, अब इनको उसको भी पूरा करने में इनका पसीना छूट रहा है। तो दरअसल जो दिक्कत इनके साथ है वही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो 15 साल के बाद सत्ता में आए हैं, उनको सबको जो दिखता है कि हमारा अच्छा होगा, इन्होंने जो उन सबको सपना दिखा दिया था कि सबका अच्छा होगा, जिला में जो भी आता था, ब्लॉक में जो भी है, लेकिन अब इनको वास्तविकता समझ में आने लगी है। जिस प्रकार से इन्होंने संसदीय सचिव को लेकर के कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट गई और अब खुद 15 बना दी, इसी प्रकार इनको अब वास्तविकता समझ में आ रहा है। तो इसी का कारण है कि इनका जो लिस्ट है, चाहे वो संगठन का हो चाहे निगम मंडल का हो, ये देरी हो रहा है। और जब लिस्ट आएगा इसके बाद भी इनके कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आज भी बहुत निराश हैं, नाराज हैं, और जब लिस्ट जारी होगा उसके बाद भी देखिएगा आप कि बड़ी संख्या में लोग हताश निराश, और जो अपना मेहनत किए हैं उनको लगेगा कि हमारे साथ छल किया गया, जैसे यहाँ की जनता अभी महसूस कर रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, छोटी सी टिप्पणी इस पर, क्या लिस्ट आने के बाद इस प्रकार की कोई आशंका है जैसा कि रजनीश जी बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अभिषेक अगर होगी तो कैसे संभालेंगे? आराम से, यही तो फर्क है, भारतीय जनता पार्टी में एक अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी का पूरा कार्यकाल निकल जाता है, वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाते हैं। अभी हाल ही में रायपुर शहर अध्यक्ष का, ग्रामीण अध्यक्ष का जो मामला था, मोहन भागवत जी को रायपुर आके करना पड़ा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। अधिनायकवाद आज भी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन में केवल छोटा भाई और मोटा भाई, यहाँ तो लोकतंत्र, तो देखिए यही तो मूल फर्क है अभिषेक जी, जो नाम आए हैं उस पर चर्चा हो रही है, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो हमारे नेताओं के द्वारा, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी भारतीय जनता पार्टी में कभी इस प्रकार से, वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ तो केवल और केवल सहमति व्यक्त करना इनकी मजबूरी है। आज 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 इनके सोशल मीडिया में ये नारा चल रहा है, लिस्ट आएगी, हम मान के चल रहे हैं 2 साल के पहले, लिस्ट आने के बाद क्या इस प्रकार की कोई आशंका है कि बहुत से लोग असंतुष्ट रह जाए, कोई हाल हो रहा है देश में, या सरकार में है सब मैनेज हो जाएगा? पाठ सिखा रहे हैं, कोई भी लिस्ट आए लोगों को, लोग असंतुष्ट तो रहेंगे, जिनका नाम नहीं आया वो तो असंतुष्ट होना ही होना है, लेकिन इसके बावजूद भी अब हर किसी को तो उसमें मौका नहीं मिलेगा, ये हर कोई जानता है, हर कोई कोशिश करता है, कोशिश करने के बाद जब नहीं मिलता मायूसी जरूर होता है, लेकिन उसके बाद फिर पार्टी का काम के लिए जो उनको सौंपा जाएगा उस काम के लिए लोग जुड़ते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये तो पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनका संस्कृति है, वो इस तरह का ही काम करते हैं, अन्यथा कोई पार्टी चल नहीं पाएगी। हर वर्कर जानता है कि
कोशिश करना उनके हाथ में है, लेकिन जो फल मिलना वो मुश्किल है और हर किसी को अकोमोडेट करना भी पॉसिबल नहीं है, तो ये मानते हुए ही चलेंगे। कुछ दिन तो असंतोष रहेंगे, हो सकता है कुछ स्टेटमेंट्स भी दे लोग बा, कुछ नियुक्तियों को लेकर अपना अप्रीति जो है वो भी प्रकट करें, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ दिन तक ये रहेगा, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा अहम थी, निगम मंडल की लिस्ट आने वाली है और कब आने वाली है इसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि चूंकि 2 साल 17 तारीख को पूरे हो रहे हैं उससे पहले लिस्ट आ जाएगी, तो एक लंबा इंतजार खत्म होगा कार्यकर्ताओं का, जो उम्मीदवार हैं इस लिस्ट में अपने नाम को खोज रहे हैं उनके लिए, उनके चेहरे पर हालांकि मिले जुले रिएक्शन इस वक्त हैं, कहीं थोड़ा डर भी है, थोड़ा इनपेशियंस भी है, थोड़ी मायूसी भी है, क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी हो चली है, इस वक्त लंबा समय हो चला है लिस्ट नहीं आई है। बहरहाल इंतज़ार सभी कर रहे हैं उस लिस्ट का जिसमें उनका नाम होगा। आज का मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।